सीधी पुलिस ने क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर लूट एवं हत्या के 5 आरोपियों को 3 राज्यों से धर दबोचा है। बाहरी थाना क्षेत्र के ग्राम खोरी के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह पिता राजेंद्र सिंह उम्र 40 वर्ष के अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल रोककर लाठी डंडों से मारपीट कर रुपयों से भरा बैग छीनकर हत्या कर दी थी। जिस संबंध में थाना बहरी में फरियादी दीपक सिंह चौहान की सूचना पर संदेही हो एवं अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसकी मॉनिटरिंग सीधी पुलिस अधीक्षक तरुण नायक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा कर रहे थे, जहां क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर 3 राज्यों से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि लूट कर हत्या करने वाले आरोपी दीपक सिंह उर्फ दीपू निवासी ग्राम खोरी, राहुल सिंह निवासी पावा थाना चुरहट आदि को महाराष्ट्र के मनपाड़ा से एवं राजस्थान के अलवर जिले से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।